कांग्रेस और बीजेपी का कहना है कि वॉल सिटी को मुनहदिम कर दिया जाएगा, एक सुनहरा सपना वॉल सिटी के आवाम को बता रहे हैं। तो कांग्रेस का जो पीपीपी का मॉडल है वो तुर्कमान गेट का मॉडल है। इमरजेंसी में जो कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर तुर्कमान गेट के पास खड़े रहकर बोले थे कि मुझे यहां से इंडिया गेट नजर आना, तो वहां पर 10,000 मुस्लिम घरों को तोड़ दिया गया था। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ये बोलते हैं कि मॉल सिटी में बुलडोजर चलाऊंगा। तो इन दोनों की सियासत जो है वो हेट के ऊपर बनी है, नफरत के ऊपर है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो तेलंगाना का कांग्रेस का अध्यक्ष है वो आरएसएस का है और आज कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल मोहन भगवत के पास है। तो इसलिए हम तमाम को इनसे बाखबर रहने की जरूरत है। ये इस तरह की बातें जो कर रहे हैं वो असल उनका एजेंडा है, जहर है जरूर पर एजेंडा है उनका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।